अगर इसको पैखाना अगर पेशाब भी अगर नहीं आया ना तो वो भी क्या बोलता मालूम, असद साहब की वजह से नहीं आ रहा मेरे को। जमात की नज़र में इन लोगों की औकात क्या है मालूम, जो जूते के ऊपर पैर के ऊपर धूल जम जाती देखो ऐसा झटक देता देखो, ऐसा सदर साहब ऐसा झटक के फेंक देते लोगों को। रात में सोने से पहले भी इन्हें नहीं या असदू या अकबरू, या असदू या अकबरू, और सुबह उठती कि नहीं या असदू या अकबरू, या असदू या अकबरू बोल के उठता। ये हाल है इसका, सोते खुद भी वही उठते खुद भी वही हाल। ये उम्र नहीं वक्त पे सो जाने की है, वक्त पे सो जाओ। ये बार बार आधी रातों को लाइफ आकर हकीकत में हार्ट अटैक में बढ़ जाता है। हकीकत के धंधे कर लेते हैं, बदनाम होती कि क्या करते मालूम, जमात हमारे पीछे लगी हुई है। हाँ असद साहब की वजह से अकबर साहब की वजह से हम बदनाम हो गए, ये जमात हमारे को जीने नहीं दे रही, वो नहीं दे रही बोल के जमात का नाम बदनाम कर देते। अब सोशल मीडिया पर अगर फेमस अगर होना है तो दो जनों का नाम ले लो, असद साहब अकबर साहब का नाम ले लो। अपनी उम्र मौत के करीब कर लिया आदमी है लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई सलीम बुड्ढे के ताल्लुक से हम जो भी आवाम के सामने बयान रखते हैं तो इन्हें हमेशा आए दिन नहीं इसके खिलाफ अगर असलियत बयान अगर हम कर दे रहे तो इन्हें क्या करते मालूम, सीधा फैमिली के ऊपर टारगेट डाल देते। चाहे वो कोई भी रहने दो, फैमिली के ऊपर टारगेट डालकर उसको बदनाम करने की कोशिश करते। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ मेरा बार बार मेरा पुराना वीडियो डालना, बस लोगों के सामने मेरे को बदनाम करने की कोशिश करते। खैर अल्लाह है मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला, अल्लाह है मेरे साथ और कुछ भी नहीं। अब ये बदमाश को देखो, अगर इसके असलियत अगर मैं आवाम के सामने अगर और भी मेरे पास जो चीज़ें मौजूद है अगर मैं रख दिया ना तो इन हकीकत में इन्हें हार्ट अटैक में बढ़ जाता है। हकीकत में आज इन्हें जो गलतियाँ जो कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ नहीं इसके गलतियों की वजह से, आज इन्हें जो जेल के चक्कर जो काट रहा, बार बार पुलिस स्टेशन के पुलिस के सामने आवाम के सामने जो जलील हो रहा ना, इन्हें ये सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। खुद गलतियाँ करते, जमात को बीच में लाते, खुद बड़े बड़े कारमा कर लेकर इनका लुपा डुपी कामा कर लेते, हाँ चंदे के धंधे कर लेते। बदनाम होती कि क्या करते मालूम, जमात हमारे पीछे लगी हुई है। हाँ असद साहब की वजह से अकबर साहब की वजह से हम बदनाम हो गए, ये जमात हमारे को जीने नहीं दे रही, वो नहीं दे रही बोल के जमात का नाम बदनाम कर देते। अपनी इज्जत के लिए अपने लाइक कमेंट व्यूज के लिए लगाने खाली क्या करते मालूम, हमेशा आए दिन जमात को बीच में ला के असद साहब अकबर साहब का नाम लेकर इन्हें खुद फेमस हुआ था। आज इन हकीकत में फेमस है, इसको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर सोशल मीडिया पे अगर फेमस अगर होना है तो दो जनों का नाम ले लो, असद साहब अकबर साहब का नाम ले लो तो ज़रूर हम फेमस होंगे। अगर इसको पैखाना अगर पेशाब भी अगर नहीं आया ना तो वो भी क्या बोलता मालूम, असद साहब की वजह से नहीं आ रहा मेरे को। ये है इसका हाल मालूम, हकीकत में इसकी हालत वही से। आज अगर भाई बीमार पड़ गया तो असद साहब की वजह से। अरे ज़िंदगी भर पूरी असद साहब के खिलाफ बोलते 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 अपनी उम्र मौत के करीब कर लिया आदमी है लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। जमात तो पहली बात नहीं मालूम भाई, ऐसे छिंदी छोरों के तो खिलाफ जमात सोचती भी नहीं है ना ही देखती भी नहीं दूर दूर तक। क्या बोलते बोल लेने दो, क्या करता कर लेने दो, बस से हमारे जमात के हमारे वर्करज काफ़ी है लोगों को बोल के बोल लेते। ये लोग हमारे सदर साहब को इतना टाइम है नहीं ये छिंदी चोरों को देखने के लिए, ये लोग क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे बोल के सूरत ही नहीं है बोलते। जमात की नज़र में ये लोगों की औकात क्या है मालूम, जो जूते के ऊपर पैर के ऊपर धूल जम जाती देखो ऐसा झटक देता देखो, ऐसा सदर साहब ऐसा झटक के फेंक देते लोगों को। ये है लोगों की औकात सदर साहब की नज़र में, ऐसा पैर के ऊपर धूल बढ़ती ना ऐसा झटक के ऐसा फेंक देते ऐसा। और कईयों बार उम्र का लिहाज रखकर खामोश बैठे हुए है और बार बार बोलता हूँ भाई, अरे भाई ये उम्र नहीं वक्त पे सो जाने की है, वक्त पे सो जाओ। ये बार बार आधी रातों को लाइफ आकर सदर साहब का नाम लेकर जहर उबलते रहता और सदर साहब का नाम लेके ही सोता रात में इन्हें। ये हाल है इसका, रात में सोने से पहले भी इन्हें नहीं या असदू या अकबरू, या असदू या अकबरू, और सुबह उठती कि नहीं या असदू या अकबरू, या असदू या अकबरू बोल के उठता। ये हाल है इसका, सोते खुद भी वही उठते खुद भी वही हाल। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये सलीम बुड्ढे का एक वीडियो देखा भाई, वही बेवाका रोना रो रहा के क्या भर रहा मालूम आदमी। असद साहब को अकबर साहब को आने वाले वक्त पे कहते अकबर साहब को बंजार रुपये से उठा लेंगे कहते और असद साहब को कहते शास्तीपुरम पैसे उठा लेंगे बोल के बोला। तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ सलीम बुड्ढे को, शेर के पिंजरे में नहीं हाथ डालने के लिए लोग हज़ार बार सोचते और जंगली कुत्तों को नहीं खींच के लग जाते, याद है ना बलिन और पैजामे पे कैसा ऑटो में खींच डाल डाल के लग जा रहे थे खींच खींच के जंगली कुत्तों के सर का। तो इसलिए बोल रहा हूँ आइंदा से नहीं बनीन और पैजामे पे न करो, अच्छा कुर्ता पैजामा पहन के सर पे से टोपी भी लगो निकालो, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता। अब तो भी ऑटो में डाल के लग गए, अब जंगली कुत्तों के सर का पैदल लग जाए। और एक बात भाई, आज जो सलीम चिच्चा जो आज जो ओल्ड सिटी में जो शान से जो आज जो फिर लेते ला
ये सिर्फ और सिर्फ असद साहब और अकबर साहब की बदौलत ही नहीं तो लोग इनको क्या कर देते क्या है वो अल्लाह बेहतर चलता वालों। ये सिर्फ और सिर्फ असद साहब की बदौलत जो आज इलाज सेफ है इलाज फुल सिटी में। वालेकुम सलाम। अरे क्या सलीम जी, क्या सो रहे, क्या कौन बात कर रहे? महाराष्ट्र नांदेड़ से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। क्या बात है चीचा, असद साहब इसी के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं आप। असद भाई, असद साहब हिंदुस्तान की शान बान। अमित शाह जी सिक्योरिटी हटाओ बोल रहे तुम। अरे बात करो ना चीचा, असद साहब के हाथ से हम फोन लगा है। हेलो चीचा, असद का नाम लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फखरे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। स्टार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपसे राबता कलाम करते रहें ये खबरें लेकर।